दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन, बीस दिन, महीना लोग यहाँ आएंगे, सिर पर हाथ फेरेंगे, चले जाएंगे। कोई पानी पिलाएगा, कोई रोटी का टुकड़ा खिलाएगा, आएंगे, आंसू बहाएंगे, चले जाएंगे। योगी जी को चार शब्द कह देंगे, योगी जी के लोग भी आ जाएंगे, चार पैसे दे देंगे, सांत्वना दे देंगे, हमारी लखनऊ में बातचीत हम न्याय कराएंगे। अरे पकड़ा कौन गया, गिरफ्तार किसको किया, उल्टा ही गांव वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये आपको डराएंगे, याद रखना डर के आगे ही जीत है, याद रखना जो डर गया समझो मर गया। आपको जीत मिले या हार मिले, लेकिन मेरी बातें आपको याद रहेंगी। आज इन्होंने 100 में मारा है, कल को ये लोग हमारी भी हत्या कर सकते हैं। हम नहीं डरते, किसी की गोली से नहीं डरते, किसी की लाठी से नहीं डरते। और ये कानून का इस्तेमाल गलत करेंगे तो सही इस्तेमाल करना हमें भी आता है। अभी व्यक्ति की आजादी को ये खत्म नहीं कर सकते, आपको भारत में कहीं भी जाने का अधिकार है, ये खत्म नहीं कर सकते। तभी तो कई कई जगह पुलिस के रोकने के बावजूद भी आपके बीच में यहां बैठा हूं, अपने परिवार के बीच में बैठा हूं। ये हम सब का परिवार है आज, जिसके घर पे इस तरह की घटना हो गई और एक दुखद वाकया हो गया, आज हम सबको तन मन धन के साथ इस परिवार के साथ खड़े होना होगा। अरे हिम्मत क्या पुलिस वालों के, जो इस गांव में पैर भी रखते। आप दबंग बनो ना, क्या आप भूल गए भीमा कोरे गांव को, क्या आप भूल गए सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाके सबक सिखा दिया था, क्या आप भूल गए। अरे याद करो महापुरुषों की कुर्बानियों को, बाबा साहब अंबेडकर के चार चार बच्चे कुर्बान हो गए, दो बच्चे तो मैं खोए बैठा हूं, याद करो आप। अगर आप डरेंगे तो आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा। एक मुकदमा आपके ऊपर झूठा लिखा गया है, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, दर्जन भर होंगे। एक दर्जन मुकदमे होने से हमारे लखनऊ के महात्मा जी सदन में रोते हैं, और या दलितों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करके, झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज करके वो अपनी पीठ को थपथपाते हैं। लानत है ऐसे व्यक्ति पर। लेकिन यहां अगर न्याय नहीं मिला तो हम कहां जाए, किसके पास जाए। हम सरकार से तो न्याय मांगेंगे, खाकी वालों से तो न्याय मांगेंगे, प्रशासन से न्याय मांगेंगे, वो भगवा वाले जो लखनऊ में बैठे हैं हम उनसे तो न्याय मांगेंगे। कौन है हमारा, किससे न्याय मांगे। हम हमारे हैं बाबा साहब अंबेडकर जी, हम उनके कदमों में गिरेंगे, उनके कानून से न्याय मांगेंगे, हम उनके कानून से चलेंगे, और तभी हमें न्याय मिल पाएगा, तभी हमें न्याय मिल पाएगा। याद रखना, याद रखना मेरी बात को। मेरी गांव में लोगों से बात हुई, मेरी परिवार से बात हुई रात को, अभी भी मैंने इस मां से पूछा कि लोग आएंगे जाएंगे, सांत्वना दे देंगे, काम चल जाएगा, लेकिन एक दिन क्रांति का रख लो, एक दिन मां संग्राम का रख लो, एक दिन नीली क्रांति का रख लो। आपका गांव अमर तो हो चुका है पूरे देश भर में, विदेश में आपकी बहादुरी अमर तो हो चुकी है। अरे इस बच्चे को न्याय मिल जाएगा। ये बच्चा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि अरे मेरे समाज के मेरे चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, अरे मुझे न्याय तो दिला दो, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। तभी एक आपसी सहमति बनाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मुझे राजनीति नहीं करनी, आंसू पोंछ के नहीं चला जाऊंगा। मैंने बच्चे का दुख झेला है, मैंने बाबा साहब अंबेडकर के चार चार बच्चों की कुर्बानी का पढ़ा है, इसलिए आपके बीच हूं। पूरे देश भर से, देश के कोने कोने से यदि बहुजन समाज के लोग आपके सिलई बड़ा गांव में इकट्ठा होंगे तो आपकी आवाज को बुलंदी मिलेगी,
आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपके ऊपर प्रशासनिक नजर भर भी नहीं उठाए पाएगा, गलत मुकदमे दर्ज नहीं करेगा, आपको दबाएगा नहीं और आरोपियों को गिरफ्तारी जरूर होगी। लेकिन एक बार ताकत दिखाओ तो सही, आप चुप बैठ जाओगे मैं अपने घर चला जाऊंगा, आप अगर कहोगे भाई आपके साथ है आप न्याय दिलाओ तो मैं खड़ा होकर के कहूंगा कि 17 मार्च को देश भर के भीम सैनिकों सिलई बड़ा गांव में रामपुर में इकट्ठा हो जाओ, एक बच्चे की रूह आपको पुकार रही है, एक माँ की चीत्कार आपको पुकार रही है, एक बाप का रुदन आपको पुकार रहा है जिसका बच्चा प्रशासन की गोली से मारा गया, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो सिलई बड़ा गांव रामपुर छोटे भाई सुमेश के घर की धरती से आज आपका भाई आपका बेटा आपका साथी आपका दोस्त भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ये ऐलान जंग करता है, न्याय के लिए, सम्मान के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 17 मार्च को दोपहर 12 बजे देश भर के भीम सैनिक सिलई बड़ा गांव में इकट्ठा हो जाए, अपनी ताकत दिखा दे और इस बच्चे को न्याय दिला दे। ये लोगों आज आपको दिखाना होगा, वरना कल फिर कोई सोमेश जाएगा, फिर आप इकट्ठा होंगे, श्रद्धांजलि देंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, आंसू पोंछेंगे, अन्न का टुकड़ा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, आंसू बहाएंगे, अपने घर चले जाएंगे और ये फिर चलता रहेगा खाकी का आतंक, ये फिर चलता रहेगा योगी जी का आतंक, ये फिर रोते रहेंगे हम दलित, हम मजदूर लोग, हमारी भी देश में हिस्सेदारी है, हम भी इस देश के निवासी हैं, हमें भी देश में बराबर का सांस लेने का अधिकार है, तो हमें ही क्यों मारा जा रहा है, हमें ही क्यों गोली मारी जा रही है, हमें ही क्यों सताया जा रहा है। 17 मार्च को हम तैयार हैं, 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 हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, कोई भी राजनीतिक दलों, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी नेता हो, भाई हो, अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, समाज का साथी हो, 17 मार्च को सिलई बड़ा गांव चले आओ, ये परिवार आपका इंतजार करेगा और हम यहाँ मौजूद थे, मौजूद हैं, मौजूद रहेंगे, इस परिवार को न्याय मिलने तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है।